Hey there! Did you know people can view the photos in Quick Pick groups without signing in? In this video, we will learn about the anonymous viewing feature. अगर आप ये वीडियो हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड करिए. Log into your Quick Pick account. Click on the group for which you want to enable anonymous viewing. Click on the settings icon and tap privacy setting. Scroll down and simply turn on the anonymous viewing option. Note that this feature is only available in premium plans, or else you can separately pay 500 rupees to enable this for one Quick Pick group. After enabling the anonymous viewing, you can share the group links in two ways. If you share the old links, the guests will see a skip login button. After clicking on that, they need to take a selfie. No need to enter their name, email or phone number. Using the partial access link, they will just be able to see their own photos. Using the full access link, they can see all the photos. If you share the new link, guests will directly be able to see all the images without even clicking a selfie. In this link, you will not get multiple privacy options like full access or partial access. Inside the gallery, they get an option to click the Face AI button and take a selfie to use face recognition and find their own photos. Disadvantages of anonymous viewing. Users will need to save and store the link. If they lose the link, they will not be able to access the photos in future. There will be no data in participants' info and analytics section. Quick Pick does not take any responsibility for data leak and privacy issues if anonymous viewing is enabled. Thank you for watching. If you found this video helpful, be sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more such tutorials. See you in the next video. हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग आपके क्विक पिक ग्रुप्स की फोटोज बिना साइन इन किए भी देख सकते हैं? इस वीडियो में हम क्विक पिक के एनोनिमस व्यूइंग फीचर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने क्विक पिक अकाउंट पर लॉगिन करें, उसके बाद उस ग्रुप पर क्लिक करें जिसमें आप एनोनिमस व्यूइंग एनेबल करना चाहते हैं। अब सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें और फिर प्राइवेसी सेटिंग्स टैब पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें और फिर एनोनिमस व्यूइंग ऑप्शन को ऑन कर दें। अब लोग ग्रुप के पिक्चर्स को बिना अपना नाम, ईमेल या फोन नंबर एंटर किए देख सकते हैं। याद रखें कि ये फीचर सिर्फ प्रीमियम प्लान्स में अवेलेबल है। या आप क्विक पिक टीम से बात कर सकते हैं और अलग से 500 रुपए पे करके ये फीचर किसी भी एक ग्रुप के लिए चालू करवा सकते हैं। एनोनिमस व्यूइंग एनेबल करने के बाद आप दो तरह से ग्रुप लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप पुराने लिंक शेयर करते हैं तो गेस्ट्स को स्किप लॉगिन बटन दिखाई देगा। उस पे क्लिक करने के बाद उन्हें सेल्फी लेनी होगी। नाम, ईमेल या फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्शियल एक्सेस लिंक यूज करने से वो सिर्फ अपने ही फोटोज देख पाएंगे। फुल एक्सेस लिंक से वो सभी फोटोज देख सकते हैं। नए लिंक शेयर करने पर गेस्ट्स बिना सेल्फी लिए सीधे सभी इमेजेस देख सकते हैं। इस लिंक में आपको फुल एक्सेस या पार्शियल एक्सेस जैसे मल्टीपल प्राइवेसी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। गैलरी के अंदर उन्हें फेस एआई बटन पे क्लिक करके सेल्फी लेने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे वो फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से अपने फोटोज ढूंढ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनोनिमस व्यूइंग। यूजर्स को लिंक सेव करके रखना होगा। अगर वो ये लिंक खो देते हैं तो वो फोटोज फ्यूचर में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स इन्फो एंड एनालिटिक्स सेक्शन में कोई डेटा नहीं रहेगा। डेटा लीक और प्राइवेसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू होने से क्विक पिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर एनोनिमस व्यूइंग ऑन है तो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।